अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। ओल्डन डेज में जॉइंट फैमिली थी तो जॉइंटली सब कुछ कर लेते थे हम लोग। आज न्यूक्लियर फैमिलीज हैं और नीड्स नहीं हमारे पास, वांट्स बढ़ गई है। वांट बिकॉज ऑफ फीलिंग के लिए चाहिए हमको, मुझे मर्सिडीज गाड़ी चाहिए बिकॉज आई फील गुड तो चाहिए। और ये सब पैसा बहुत खर्चा है, हर चीज़ के लिए बहुत खर्चा लगता है और लाइफ की सर्टनटी नहीं है हमारे पास, जॉब की सर्टनटी नहीं है। तो अर्ली एज से सेविंग करना, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज आगे क्या होने वाला आपके साथ में आपको पता नहीं है। जॉब की गारंटी नहीं है, बीमारियां बढ़ती जा रही है, एजुकेशन बढ़ती रही है। मेरे टाइम में किसी ने बीकॉम कर लिया तो बहुत हो गया, एक दौर आया कि किसी ने अगर एमबीए किया तो उसको बड़ा माना जाता था। आज तो हर गली कुचे में एमबीए के क्लासेस चल रहे हैं, हर आदमी एमबीए बनना चाहता है, हर आदमी चाहता है डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं। और हर आजकल गैजेट्स बढ़ गए, इक्विपमेंट्स बढ़ गए हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ी, हर बच्चा चाहता है मैं लैपटॉप घर लेके और स्कूल लेके जाओ, एक स्मार्टफोन होना चाहिए हमारे पास, स्मार्टफोन भी अच्छा स्मार्टफोन चाहिए। एंड ऑल दिस कॉस्ट लॉट ऑफ मनी और ये मनी सैलरी से आदमी रोज़ नहीं निकाल सकता उसको। तो अर्ली एज पे इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है, मे बी वेरियस लेवल पे उसकी डिमांड है। स्पेशली मेडिकल इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, अपनी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी बिकॉज रोड्स पे एक्सीडेंट बहुत हम रोज़ देख रहे हैं ऐसा, तो लाइफ की सर्टेनिटी नहीं है। तो आपकी जो लाइफस्टाइल है आगे भी कंटिन्यू हो और आपके बच्चों की लाइफस्टाइल वैसी लाइफस्टाइल कंटिन्यू हो। हॉलीडेज बढ़ गए, हमारे ज़माने कोई अगर इंडिया से बाहर जाता था कभी उसको बहुत बड़ा मानते थे, आजकल तो हर आदमी मलेशिया घूमने जा रहा है, थाईलैंड घूमने जा रहा है ऐसा। एंड ऑल दिस कॉस्ट मनी, तो कहाँ से आएगा ये? राइट, सो इफ यू हैव अर्ली इन्वेस्टमेंट आगे जाके ये पैसा आप यूटिलाइज कर सकते हो और बिना खौफ के उसको निकाल यूज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।